हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लीड्स गुरु में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, और साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि लीड्स गुरु किन किन बैंक अकाउंट में पैसे देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों साथ में आप चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों साथ में आपको नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लीड्स गुरु और अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, दोस्तों चलते सीधे अपने टॉपिक की तरफ। ओके गाइस, अभी आ गए हूँ दोस्तों लीड्स गुरु की मेन साइट पे। दोस्तों, इस पे आने के बाद दोस्तों आप पे ऊपर की साइड पे देख पा रहे हैं, आपके ऊपर एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस मेन्यू वाले ऑप्शन पे कर देना क्लिक की। एंड दोस्तों, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके ऊपर माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे कर देना क्लिक की। एंड दोस्तों, उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखो मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको यही नहीं पता दोस्तों लीड्स गुरु में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है दोस्तों। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको ऊपर आई बटन और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों लीड्स गुरु में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दोस्तों, उस वीडियो को देख लेना है अगर दोस्तों आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और तो यहाँ पर देख पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस को मिल जाएगा। और तो उस पर देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको करने के दोस्तों आपको सिंपल सा डैशबोर्ड के ऑप्शन पर कर देना क्लिक की। और तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकेंड नंबर पर दोस्तों अफिलिएट अकाउंट का। दोस्तों, आपको करने के दोस्तों और आपको इस अफिलिएट अकाउंट पर कर देना क्लिक की। और तो इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर मेरी टोटल अर्निंग है 3,600 रुपये की अर्निंग है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर दो लोगों को यहाँ पर प्रमोट करा था दोस्तों। सिल्वर पैकेज से मैंने स्टार्ट किया है, और तो मैंने दो लोगों को सिल्वर पैकेज से स्टार्ट कराया था दोस्तों। इससे रिलेटेड मेरे को यहाँ पर 3,600 रुपये मिल गया दोस्तों। यहाँ पर मेरे को पेमेंट भी रिसीव हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करनी है। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस प्रोफाइल वाला उसमें कर देना क्लिक की। अगर दोस्तों यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल या फोटो लगाना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए आपके ऊपर एडिट योर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप एडिट अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करनी है दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको पे आउट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या दोस्तों, आपके ऊपर पे आउट डिटेल वाले ऑप्शन में कर देना क्लिक की। और दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कुछ इंटरफेस को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले आप ऊपर की साइड पर देख पा रहे हो, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से बैंक डिटेल भरने को दी जाएगी दोस्तों। नीचे की साइड पर आपको एकदम खाली पेज होगा दोस्तों, उसमें कुछ इस प्रकार से बैंक डिटेल भरनी होगी दोस्तों। सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेम इसी प्रकार से बैंक का नेम लिखना है दोस्तों। बैंक नेम आपको लिखना है बिल्कुल राइट इसी तरीके से बैंक नेम लिखना है। और तो उसके बाद आपको करना है दोस्तों, उसके बाद आपको ऊपर अकाउंट होल्डर नेम लिखना है दोस्तों। उसके पहले आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखना है। और तो उसके बाद आपको अकाउंट का जो नाम है दोस्तों, अकाउंट होल्डर का, उसका नाम लिखना है दोस्तों। उसी प्रकार से आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। और तो IFSC कोड लिखना है दोस्तों। ये सारी डिटेल्स मैंने किस प्रकार से भरी है दोस्तों, जिस वजह से मेरे यहाँ पर बैंक अकाउंट मतलब जो मैंने ऐड किया था दोस्तों, मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गया दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें दोस्तों, ये लीड्स गुरु जो कि अफिलिएट प्रोग्राम है दोस्तों, इस किस किस बैंक अकाउंट में पेमेंट देता है। तो दोस्तों, जिस भी बैंक अकाउंट में यहाँ पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम ऐड, तो बैंक का नेम दोस्तों, सारी चीज़ें होती है दोस्तों, उसमें आपको पेमेंट मिल जाता है दोस्तों। ऑलराउंडर सारी बैंक अकाउंट में पैसे देता है दोस्तों। यहाँ तक कि आपके ऊपर पेटीएम पेमेंट बैंक में भी पैसे ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैंने पर्सनली पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट लिया था दोस्तों। सबसे पहले आपको पता दोस्तों, यहाँ पर नीचे की साइड पर मैंने यहाँ पर जो फिलअप किया दोस्तों, आपको किस प्रकार से फिलअप करना है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर एक फोटो के तहत बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरी कुछ प्राइवेसी चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको मैं फोटो के तहत दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, अभी आ गया दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक फोटो है दोस्तों, मैंने पहले से ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया था दोस्तों। यहाँ पर देखा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल बताया दोस्तों, बैंक अकाउंट नेम किस प्रकार से भरना दोस्तों, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैंक नेम लिखा था दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बैंक नेम लिखा था दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिख दिया दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज करता हूं। और तो उसके बाद यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर मैंने अकाउंट होल्डर नेम लिखा जो कि दोस्तों यहां पर सेम इसी प्रकार से अकाउंट होल्डर नेम लिखा था दोस्तों, उसी प्रकार से मैंने यहां पर अकाउंट होल्डर नेम लिखा है। और तो उसके बाद मैंने यहां से अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, जो अकाउंट होल्डर में नेम है दोस्तों, जिसका बैंक अकाउंट नेम है दोस्तों, उसी का यहां पर नाम लिखना है। और तो उसके बाद आप देख पा रहे दोस्तों, यहां पर मैंने सेम यहां पर अकाउंट नंबर डाला था दोस्तों, अकाउंट नंबर लिखा हुआ दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने यहां पर अकाउंट नंबर लिखा। सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट नंबर लिखना है। और तो उसके बाद आपको डॉट लगा देना दोस्तों। डॉट लगाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सारे अकाउंट
नंबर यहाँ पर डाल देना दोस्तों। सब कुछ यहाँ पर देख पा रहे हो सेम इसी प्रकार से आपके यहाँ पर डालना है। और तो उसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बैंक IFC कोड डालना दोस्तों। आपको करना है दोस्तों IFC कोड लिखना है दोस्तों, और बैंक IFC कोड लिखना है दोस्तों। उसके बाद आपको डॉट लगा के दोस्तों IFC जो कोड होता है दोस्तों बैंक का आपको यहाँ पर फिलअप कर देना दोस्तों। पेटीएम पेमेंट बैंक का तो आपको पता ही होगा दोस्तों, और PYTM01234567 दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है। और तो उसके बाद आप अपन नीचे की साइड पर देख पा रहे हैं आपके ऊपर सेव चेंज का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड पे, जो कि गाइस आप अपन नीचे की साइड पे देख पा रहे हैं। आपको करने का दोस्तों आपको इस सेव चेंज वाले ऑप्शन पर कर देना क्लिक की। और तो उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों विद इन 24 घंटे या दोस्तों 48 घंटे के अंदर ही अंदर आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। और तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आएगा या दोस्तों ऐसा कोई शो नहीं होगा कि KYC आपकी जो बैंक अकाउंट लगाया दोस्तों वो अप्रूव हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों, आपका पेमेंट सेम डे आपको पेमेंट मिलता है दोस्तों। अगर आप पहले दिन ही सेल करते हैं दोस्तों, पहले दिन प्रमोट करते हैं दोस्तों, पहले दिन आपका इनकम आपको बैंक अकाउंट में रिडीम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो समझ गए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।